हम डॉक्टर अगर सिर्फ मारने के लिए बाकी ये गांव जितना आते हैं गया लैंग्वेज देखा है पहियों पे मारा है ये सब तो पहियों पे ये बोलने की मरेगा हम लोग साथ में नहीं चिंते भागलपुर के सदर अस्पताल में जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मामला जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जहां रोगी अपना इलाज कराने जाते हैं वहीं उसकी पिटाई चिकित्सक और गार्ड के द्वारा मिलकर कर दी जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक रजौन की मालती देवी अपने रोग का इलाज कराने के लिए भागलपुर की सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे बड़ी भद्दे तरीके से वार्तालाप शुरू किया। इसका विरोध करने पर डॉक्टर ने मरीज मालती देवी को थप्पड़ जड़ दिया और कुर्सी फेंक कर घायल कर दिया। मालती देवी ने बताया कि मेरा दामाद रामदास जो कंपनी बाग भागलपुर में रहता है वो इस घटना को देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी डॉक्टर और गार्ड से बाताबाती कर ली। इसी दरमियान दो तीन डॉक्टर और चार पांच गार्ड मिलकर हमारे दामाद मुझे और मेरी बेटी को बुरी तरीके से पिटाई कर दी। वहीं बचाव में भागलपुर के सिविल सर्जन ने बताया कि मुझे जानकारी मिली है, इस पर संज्ञान लेकर जरूरी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी गलती सामने आएगी उसको कठोर सजा भी दी जाएगी। सिविल सर्जन ने यह भी कहा कि चिकित्सक की उपस्थिति पंजी में चिकित्सक की हाजिरी नहीं बनी है, शायद चिकित्सक वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरे साथ ये हुआ कि हम अपने सासू माँ को लेके गए थे कि पेट में दर्द अल्ट्रासाउंड करवाना है, उसी पूछताछ में बोलने लगे तो हम बोले कि अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, उसी में बोला कहा है हर वक्त अल्ट्रासाउंड तुरंती अल्ट्रासाउंड कर देंगे, इसी में बोलने लगे तो बोलते बोलते गर्मा गया। अब मेरी सास कम सुनती है, उसी में बोला कि वो बड़ा बता लाया है मतलब मथा भुकाने के, तुम ही मथा भुकाता, बस गाली गलौज करने लगा, बस कुर्सी से उठा हमको मारने के लिए आया, तब तक मैं गार्ड भी पकड़ लिया, बस सबने मारने लगा। डॉक्टर साहब दो तीन गो था वो भी चार पांच थोपी से मारते हुए रूम से बाहर किया और गार्ड भी मारने लगा, सास को भी एक दो डंडा मारा और मेरे वाइफ जब आया बचाने के लिए देखने के लिए तो इसको भी धक्का मुक्की करके तीन नंबर वार्ड रूम नंबर है तीन नंबर का उसी का डॉक्टर दो तीन गो था वही सब मिल के मारा। हाँ उसके बाद थाना में आवेदन दिया, थाना आ रहे कुछ देर में। तो गंदा गंदा बात बोला के लिए ये सब नहीं है, खाली पेट में दर्द है अल्ट्रासाउंड हमको कर दी, बस इतने में क्या बोला हम नहीं करेंगे, जाइए चिट्ठा फेंक दिया, बाकी लिए कि आप डॉक्टर हैं तो इलाज करने का दिया सरकार ने कहन कीजिएगा, बस कुर्सी फेंक करके हमको उठ गया मारने के लिए दे दिया, ये था कि हमें कुर्सी फेंक दिया मथा पर डॉक्टर ने, बस देखिए कि डॉक्टर ने जो हमको कुर्सी फेंक दिया तो दामाद है बगल में वो देखेगा तो नहीं है ना, दामाद बोले कि काहे मार रहे हैं मम्मी को क्या बात है, बस हमको दामाद को सब ने मिल के मरने लगा, अब काहे बोलते हैं हमारा दामाद है नहीं बोलेगा, आए हमको गाली दे दिया तब कुर्सी फेंक के मार दिया है डॉक्टर सब मरा, तब केस नहीं करेंगे तो डॉक्टर को जो मरा है वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर से भी आपकी बातचीत हुई? नहीं डॉक्टर से बातचीत नहीं, देखा जा रहा है चार डॉक्टर हैं वो लोग अभी नहीं है, समझ गए एम एम एक थी एक डॉक्टर से थे जो लोग ड्यूटी पर हैं, हम तो उन्हीं को उन्हें खोजेंगे, ड्यूटी पर खोज के उनको देंगे, उनको पत्र का जवाब दे देंगे किस परिस्थिति हुई है, गार्ड को भी अति करके देंगे, गार्ड के सुपरवाइजर को सामंता सिक्योरिटी को जो भी इसमें गलती पाया जाएगा उस पर तुरंत कार्रवाई पर है। कौन जो अभी उपस्थिति चेक घटनास्थल पर अभी जो हमने उपस्थिति पंजी देखी ये क्या कहते हैं अटेंडेंस रजिस्टर देखा, डॉक्टर कोई नहीं थे, उनको लिखेंगे ना कि नहीं थे आप कहाँ थे, पूरी पूरा एविडेंस के साथ ना हम लोग करेंगे। मामला अगर सामने आता है तो कार्रवाई होगी ना, क्योंकि ये अगर सामने आता है तो बड़ी बात है। नहीं मामला थमे कार्रवाई होगी, जिसका भी गलती होगा उसको पेनाल्टी मिलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगते ही एमसीएमसी के तहत सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर पैनी नजर रहेगी। लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया एवं राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने बताया कुछ मीडिया कर्मी एड के माध्यम से किसी जाति विशेष किसी व्यक्ति विशेष को प्रकाश में लाते हैं उस पर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। वहीं उन्होंने बताया किसी राजनीतिक दलों के एक पक्ष बयान को अगर दिखाया जाता है तो उस पर एमसीएमसी के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर राजनीतिक दलों का किसी प्रकार का एड के माध्यम से खबर चलाया जाता है तो उसके लिए प्रशासनिक आदेश लेना होगा। वहीं उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की भ्रामक टिप्पणियों को हाईलाइट करने की पूर्ण रूपेण पाबंदी लगाई गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न कराने में मीडिया की अहम भूमिका है, उसे सत्यता एवं निष्पक्षता से निर्वहन करे जिससे यह चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
की कमेटी की बैठक हम लोगों ने की है, इसमें हमारे मीडिया के कई बंधु शामिल थे आज, जिन्हें कि विशेष रूप से एमसीएमसी और मीडिया को सांग के दायित्वों के बारे में अभी बताया गया है। खास करके जब आचार संहिता लागू होगा उस समय कई प्रत्याशी या कई पार्टी प्रायः ऐड के नाम पे अपना वो विशेष ऐड कर जाते हैं या न्यूज़ के नाम पे अपना ऐड कर जाते हैं, उन सभी अखबार के पन्नों पे एवं उन सभी चैनल्स या जो सभी न्यूज़ पे हम लोगों की नज़र रहेगी। एमसीएमसी कमेटी उसको मॉनिटर करेगी और ये डिसाइड करेगी कि ये पेड न्यूज़ है या न्यूज़ है, और वो जो कमेटी डिसाइड करेगी वो डिसीज़न ऑलमोस्ट फाइनल रहेगा। उसके हिसाब से यदि पेड न्यूज़ है तो उसके खर्चे को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिक उनके कैंडिडेट के खाते में कम से हम लोग जोड़ेंगे। इसमें कुछ खास चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी भी कोई अफवाहें चल रही हो तो उसको सीधा प्रसारण नहीं किया जाए, कोई ऐसी बात हो जो विश्वास करने लायक नहीं है प्रचारण नहीं किया जाए। हमारे DPRO को हमारे कंट्रोल रूम में आप सूचित करें, उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे कि वो खबर सही, वो चीज़ सही है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर हम लोग यदि गलत चीज़ें होगी हम रिबटल भी करेंगे, सही चीज़ें होंगी हम आपको अप्रूव भी करेंगे कि ये तथ्य सही है। कई बार कुछ गलत चीज़ों का खास करके कुछ लोगों के कहने पे प्रसारण होता है, जैसे खास प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराया जा रहा है, बैलेट पेपर में प्रत्याशी का नाम सही नहीं है, किसी जाति विशेष के मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, किसी खास वर्ग है उसको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। इन सभी संबंधों में मैं अनुरोध करूँगा कि हमारा उस दिन इलेक्शन के दिन कंट्रोल रूम होता है, आप हमारे कंट्रोल रूम में कॉल करें, कहीं से भी कोई शिकायत आती है कोई भी खबर पब्लिश करने से पहले चलाने से पहले कंट्रोल रूम में फ़ोन करें, वहाँ से हम लोग एग्जामिन कर लेंगे, फिर आप लोगों को हम स्पष्ट करेंगे कि हाँ वो फैक्ट क्या है, फिर उसके बाद भी कोई खबर चलाई जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं EVM सही से काम नहीं कर रहा है, VVPAT में सही पर्ची नहीं दिख रही, मतगणना में धांधली की जा रही है। मतगणना में तो आप सैकड़ों की संख्या में वहाँ लोग होते हैं, सवाल ही नहीं उठता है, और VVPAT में सही पर्ची नहीं दिख रहा, इसके बारे में और EVM के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो टीम गठित थी वहाँ इंजीनियर्स की टीम ने उसको FLC किया, फर्स्ट लेवल चेकिंग, और जितनी मशीनें खराब थी सभी को हम लोगों ने यहाँ से अपने वेयर हाउस से बाहर भेज दिया है, और जो सही मशीनें हैं वही मशीन है। कभी बूथ पे कोई दिक्कत होती है उसमें हम लोग मशीन को बदलने का भी ऑप्शन हमारे पास रहता है, और सफिशियंट रिजर्व है हमारे ज़िले में मशीन का, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी खबरों से बिल्कुल बचे, और हमें आप इस पूरे निर्वाचन प्रक्रिया में मैं आग्रह करता हूँ। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर में हवाई सेवा हेतु सरकार की मंजूरी मिल जाने के बावजूद जमीन के अभाव में व्यवसायिक उड़ान के लिए हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हो पा रहा है। उसी को लेकर जदयू के प्रदेश महासचिव इंजीनियर शुभानंद मुकेश आज भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। शुभानंद मुकेश ने कहा कि नवीनतम सुविधा युक्त हवाई अड्डे का निर्माण में कम से कम 5 वर्ष लगने की संभावना है, जो काफी समय हो जाता है। इसके लिए ब्राउन फील्ड परियोजना के तहत हवाई अड्डे का निर्माण हो और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। साथ ने कहा कि सेंट्रल जेल में वर्तमान हवाई अड्डे को सम्मिलित कर उक्त भूमि को हवाई अड्डे के रूप में परिणत किया जा सकता है। डीएम साहब से आग्रह कर रहा था कि जो वर्तमान जो एयरपोर्ट है उनके बड़ा उनके तरफ से इनकरेजिंग है और ये आ रहा है कि एयरपोर्ट को चालू करना चाह रहा है, तो उसी संदर्भ में मैंने कहा कि ये जो वर्तमान में हमारा जेल है, सेंट्रल जेल है, और ये काफ़ी पुराना है और शहर के बीचों बीच सेंट्रल जेल भी रहना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये दोनों को मिला करके हम लोग बड़ा एयरपोर्ट अभी तत्कालीन बना लें और भविष्य में जो ग्रीन फील्ड नया जो हमारा एयरपोर्ट बने वो, क्योंकि उसमें 4-5 वर्ष का समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लगेगा, तो वो समय लगे तो आराम से वो बने, और अभी जो है यहाँ हवाई सेवा जो जल्द से जल्द शुरू हो, तो एग्जिस्टिंग रनवे किसी तरह बड़ा हो जाए, उसमें फैसिलिटी जो चाहिए वो आ जाए, तो ये हमारा एक सुझाव था। मैंने कहा कि आप अगर इस पर विचार करें तो ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, जल्दी बन जाएगा, 1.5-1.5 साल में ये एयरपोर्ट चालू हो सकता है। वहीं नया एयरपोर्ट बनने में 3-4 वर्ष, क्योंकि अभी पटना का भी नया एयरपोर्ट बीटा में बन रहा है, काफ़ी लंबे समय से बन रहा है, उसमें भी काफ़ी समय लग रहा है, बहुत परेशानी है, बहुत सारा क्लियरेंस, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो समय लग जाएगा। और अब जो भागलपुर वासियों का सब्र का बांध टूट रहा है और अब जो है इनको तत्कालीन जल्द से जल्द एयरपोर्ट चाहिए जो पटना, रांची और कलकत्ता तक भी कैटर कर जाए, तो फर्स्ट गो में हम लोग के लिए बहुत है, और दिल्ली अगर हो जाए तो सोने में सुहागा। साथ ही जो हवाई सेवा संघर्ष समिति है उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि क्योंकि लगभग 1.5-2 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं और इस यहाँ से भागलपुर से कैसे हवाई जहाज उड़े उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उसी का कहीं ना फल स्वरूप है कि आज डीएम साहब इतने सजग और सशक्त होकर के इस पर लगे हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसी दिशा में मैंने ये आग्रह किया है, अगर डीएम साहब हमारे इस विचार को सहमत होते हैं तो बड़ी कृपा होगी। और हमको नहीं लगता है कि डीएम साहब की जो इच्छा शक्ति दिख रही है और उनका संकल्प जो दिख रहा है उसके सामने कोई ये बाधा आएगी, वो करा लेंगे और बहुत इसके लिए वो सजग हैं और वो चाहते हैं कि इनके जल्द से जल्द यहाँ से हवाई जहाज उड़े। भागलपुर के एसएसपी कार्यालय में एक ऐसी पीड़ित महिला अपने जान माल की गुहार लगाने पहुंची जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भागलपुर के ततारपुर जब्बारचक की रहने वाली महिला जो वर्तमान में अभी हबीबपुर में रह रही है, उसके पति मोहम्मद अशरफ आलम ने अपनी पत्नी से शादी होने के बाद अभी तक 9 बार तलाक दे चुके हैं, फिर भी इस महिला को मोहम्मद अशरफ आलम तंग करना नहीं छोड़ा है। वो जो अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए तैयार होती है तब उसका पति उसके मुंह में दुपट्टा बांधकर पिटाई करना शुरू कर देता है। इसे तंग आकर महिला आज एसएसपी आनंद कुमार की कार्यालय पहुंची और आवेदन के जरिए सारी बातें एसएसपी को बताया। उसने साफ तौर पर कहा कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए तैयार होती हूं तभी यह मारपीट करना शुरू कर देते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश करते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। अपना इंसाफ मांगने के लिए। क्या मामला है कि वो हमें बहुत मारा है परसों रात में, हमारा पति मुंह में दुपट्टा बांध के, मैं नमाज पढ़ रही थी सौ की, मैंने नफिल नमाज पढ़ते बोले तुम किसकी जोजियत में हो, मैंने बोला कि हम तुम्हारी जोजियत में नहीं है, तुमने आपने मुझे तलाक दे चुके हैं, तुम हमारी जोजियत में नहीं हो, बोले नहीं मैं तुम्हारी जोजियत में नहीं हूँ। तलाक जब शादी हुई वो 9 बार तलाक हमें दे चुके हैं, नहीं अभी वो 8 महीने से हमारे पास भागा हुआ था, वो शनिवार का दिन आए हैं, अब वो बहुत तरह से मेरे पूरे जिस्म देखने के लिए नए ईसाओं की नमाज़ घींच के, मैंने नफिल और फर्ज नमाज पढ़ी थी और वितर में हाथ खड़ी थी, सलाम फेरी दो रकात पढ़ के अत्तहियात में पढ़ रही थी वितर नमाज, बोले आप तुम्हें नमाज ना पढ़ना, हमने मुझे नमाज तुम मुकम्मल पढ़ने दो, बस मुकम्मल नमाज भी करने नमाज की हालत मुझे वो बीट से मारने लगा। नमाज पर जब भी वो मारता है जानवर हमें नमाज पर और कलाम पाक की तलावत पे बहुत मारता है, वो हमें नमाज पढ़ने ना देता, वो कलाम पाक की तलावत भी करने ना देता। वो कहाँ का मामला, घर कहाँ हुआ?
हमारा घर हम अभी हबीबपुर में फिलहाल रह रहे हैं। मेन ससुराल हमारा ततारपुर जब्बार चक है। बाबा रामेश्वर सेवा समिति द्वारा भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचकन्नहार में रामेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय रामकथा सह भागवत कथा में चंडीगढ़ से पधारे रामकथावाचक कुंदन जी महाराज ने श्रद्धालुओं को बताया कि प्रभु श्री राम और माता सीता परमात्मा होते हुए भी गृहस्थ धर्म को अपना कर इसे आदर्श बताया है। गृहस्थ धर्म का आदर्श मातृ देव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव है। प्रभु श्री राम एक पतिव्रता पुरुष का धर्म निभाने के साथ साथ माता पिता और गुरु के चरणों में अनुराग एवं प्रेम करने वाले एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम कथा वाचक ने बताया कि वैवाहिक जीवन मन को पवित्र करने वाला है। अकेली स्त्री अकेला पुरुष धर्म का पालन नहीं कर सकता। स्त्री स्नेह एवं पुरुष विवेक का प्रतीक है। स्त्री पुरुष एवं पति पत्नी का धर्म परमात्मा श्री राम के दर्शन के लिए है। इसलिए सभी गृहस्थवासियों का धर्म है कि घर में रोज थोड़ा थोड़ा सत्संग करें। दोनों पात्रों में सास ससुर होते हैं, कन्या होती है, वधु होता है, वर वधु होता है। लेकिन देखिए हमारी त्रेता की परंपरा कि सुनेना माता राजा जनक की जो धर्मपत्नी थी सुनेना, वो कैसी शिक्षा दे रही है सीता को कि हे सीते सास ससुर की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना, अपने पति से प्रेम करना, अपने से जो छोटे हैं उससे भी प्रेम करना। तो जगत जननी माता सीता से मुझे शिक्षा लेनी चाहिए, सुनेना से शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसी ऐसी माँ सबको बने जो अपनी पुत्री को शिक्षा दे कि उसका अपने घर में उसका क्या कर्तव्य है। आज बिल्कुल परंपरा उल्टी हो गई। आज जब कन्या घर से विदा होती है तो माँ क्या कहती है, अगर कोई परेशान करने करे तो तुरंत फोन कर दे, सास परेशान करे, ससुर कुछ बोले तो तुरंत परेशान, तुरंत फोन कर दे, तो बात क्या होती है, बिगड़ जाती है। जब बात बिगड़ती है तो वो सीताराम का मंदिर क्या बनेगा, वो तो रावण का मंदिर बन जाता है। वही वृंदावन धाम से पहुंचे श्रीमद भागवत कथा वाचक पंडित अंकित श्री कृष्ण महाराज ने श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन भक्तों को बताया कि कुंती ने भगवान से दुख क्यों मांगा। कुंती ने भगवान से कहा है कि प्रभु हमारी झोली में दुख डाल दो, क्योंकि सुख के आते ही जीव भागवत को भूल जाता है और दुख में ही भगवान को सुमिरन करता है। इसलिए कुंती ने कहा कि ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जो हमें भगवान से दूर करे, इसलिए हमें दुख ही प्यारे हैं, क्योंकि दुख में हम निरंतर भगवान का सुमिरन करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। इसलिए लोगों को भगवान का भजन निरंतर करते रहना चाहिए। राम कथा एवं श्रीमद भागवत कथा के दौरान प्रभु की बनाई गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सचिव नंदन सिंह पाटू, गौतम सिंह, मिथिलेश सिंह, अरुण सिंह, प्रकाश सिंह, धनंजय सिंह, अनंत सिंह, ओपी पासवान, दिलीप यादव सहित रघुचक अन्हार, पनसल्ला, कुमारपुर, मोथाबाड़ी, कटरा, उदाली, कुमेठा के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। क्यों आप रो रहे हो, कथम रोदिसि विप्रत्वम, हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो, काते चिंता वलियसी, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, इतनी बलवान हो गई तुम्हारी चिंता कि तुम इस घनघोर जंगल में रात्रि के समय बैठ करके रुदन कर रहे हो, आपकी रोने का कारण क्या है। बदत्वम स्वत्वरं महियम स्वस्य दोखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है आप मुझे बताइए, मैं अभी आपके दुख का निवारण। लोकसभा चुनाव की तिथि ज्यो-ज्यो नजदीक आती जा रही है। सभी पार्टी अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। भागलपुर जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में अभी किसी भी पार्टी के द्वारा उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भागलपुर से वर्तमान सांसद जदयू के अजय मंडल है और अजय मंडल को ही टिकट दिया जाए, क्योंकि पिछले 5 साल में काफी विकास इनके द्वारा किया गया है। अजय मंडल द्वारा पिछले 5 साल में 36,000 करोड़ का काम हुआ है और यदि इस बार अजय मंडल जी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो भागलपुर से हवाई जहाज भी उड़ेगा और जो विकास नहीं हो पाया वो विकास भी होगा। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, ये जो NDA गठबंधन है और इस गठबंधन के जो बिहार के नेता, सूबे के मुखिया और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। रही सीट शेयरिंग की बात, तो पूर्व के चुनाव में इसी गठबंधन में चुनाव यहाँ हुआ है और 40 सीट पे चुनाव होने के बाद 39 सीट हमारा गठबंधन चुनाव जीता है। इसलिए सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता, हम सबों के नेता विदेश यात्रा पे गए हैं, जैसे ही लौट के आएंगे उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और रही बात भागलपुर लोकसभा का, तो भागलपुर लोकसभा में इतना बड़ा अंतराल से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व में माननीय वर्तमान सांसद लोकसभा के अजय मंडल साहब चुनाव जीते हैं, जनता का इतना समर्थन इनको मिला है और पिछले 5 वर्षों में इन्होंने जो काम किया और जिस तरह ये सरल स्वभाव के मृदुभाषी के लगभग लगभग सभी मतदाताओं के हृदय में अपने व्यवहार के माध्यम से उतर गए हैं कि यहाँ किसी प्रकार का कोई घोषणा करने की बात भी नहीं है। एक कोरम पूरा होना होगा, पार्टी घोषणा करेगी, गठबंधन घोषणा करेगा, चुनाव प्रक्रिया में लोग जाएंगे, जनता बूथ पे जाएंगे, अपना मत देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले चुनाव में जितना अंतराल से ये चुनाव जीते हैं उससे बड़ा अंतराल से इस बार चुनाव जीतेंगे। यही मूल कारण है कि विपक्ष के पार्टी आज तक भागलपुर में कोई ऐसा घोषणा नहीं कर पा रहा है कि प्रत्याशी कौन होगा, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। और एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वर्तमान सांसद माननीय अजय मंडल साहब के बारे में, इनका जो कार्यकाल रहा पिछले 5 वर्षों का लगभग लगभग, भागलपुर लोकसभा में आज़ादी के बाद से पिछले इनके पहले तक जितना विकास का कार्य हुआ है किसी 5 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक लगभग लगभग 36,000 करोड़ का सरकार का योजना, सरकार का काम माननीय सांसद के प्रयास से, माननीय सांसद के सहयोग से, माननीय सांसद के नेतृत्व में भागलपुर लोकसभा में हुआ है। और आप अभी देखें कि माननीय सांसद हमारे अजय मंडल साहब लगे हुए हैं हवाई अड्डा को लेकर, लगातार डीएम साहब प्रयास करके चिट्ठी भेज के गौराडी में जमीन का नापी होके सारा चीज़ हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये भागलपुर से हवाई अड्डा का होकर हवाई जहाज उड़ाने का भी काम अजय मंडल साहब के नेतृत्व में होगा और ये गंगा नदी पे पुल का निर्माण, सड़क का निर्माण, ये तमाम चीज़ें ये इनके नेतृत्व में, इनके कार्यकाल में होना है। और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं कि हमारे नेता, हमारे सांसद पुनः अधिक से अधिक वोटों से जीत कर सांसद बनेंगे। नागरिक विकास समिति की आम सभा में रमन कर्ण को सर्वसम्मति से अध्यक्ष के लिए चुना गया। स्थानीय देवबाब धर्मशाला में आयोजित आम सभा में भागलपुर, नौगछिया, दक्षिणी क्षेत्र इकाई, कहलगांव सहित प्राथमिक सदस्यों ने भाग लिया। आम सभा की अध्यक्षता जिम्मी क्वाड्रिस ने की। आम सभा में चुनाव अधिकारी अजय सिन्हा ने निर्वाचित अध्यक्ष रमन कर्ण के नाम की घोषणा की। उनके नाम के प्रस्ताव के समर्थन में वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद जियाउर रहमान सहित पूरे सदन ने सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष को चुन लिया। वहीं आम सभा की जनतांत्रिक कार्रवाई को देखने एवं सम्मानित अतिथि के रूप में शिक्षाविद एवं बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कांत मिश्र, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्रवण बाजोरिया एवं सामाजिक कार्यकर्ता कमल जायसवाल उपस्थित थे। इन अतिथियों ने पूरी कार्रवाई देखी एवं संस्था के कार्यों की सराहना की। नव निर्वाचित अध्यक्ष रमन कर ने कहा कि संस्था की सभी गतिविधियों को हमें सक्रिय करना एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि के समक्ष मजबूती से रखना है। नई कार्य समिति की घोषणा जल्द कर ली जाएगी। कार्यक्रम का मंच संचालन राकेश रंजन केसरी ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीलिमा राजहंस ने किया। भागलपुर के जोड़ा महादेव स्थान भिट्टी में मेला के अंतिम दिन काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला के अंतिम दिन काफी संख्या में श्रद्धालु मेला देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्थानीय कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। वहीं शाम में भोजपुरी के प्रख्यात गायक गुंजन सिंह का संगीत कार्यक्रम हुआ जिसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। वहीं मेला में सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई थी। अपने पिताजी का ख्याल रखिए हमेशा। लड़की फड़की के फेरा वगैरह नहीं पड़ना, जो होगा सब सही होगा। दिल में इतनी श्रद्धा थी, कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम बुक तो हम कर रहे हैं लेकिन मेरे आने का मन ढोल रहा था, जाए कि ना जाए, लेकिन बाइट
जब हम बोल देते हैं कि हम आएंगे, धरती की कोई ताकत नहीं है कि रोक देगा हमें, जब तक शरीर में सांस रहेगा झूठ नहीं बोलते, जब बोल दिए तो आएंगे और अपने घर में आए जोड़ा महादेव से आशीर्वाद लिए। अरे बहुत ही अच्छा जगह है ये जोड़ा महादेव बिट्ठी सबौर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग ऑर्गेनाइजर जो हैं हमारे अरविंद भाई से लेकर के सभी लोग जितने भी भाई हैं जो इस कार्यक्रम को आयोजित किए, बहुत अच्छा लगा जा कर के यहाँ पे। महिलाओं का भी बहुत भीड़ है, भाई बहन युवा सब एकदम झूम रहा है, सब लोग ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बनाए रखे और सब लोग खुश रहे स्वस्थ रहे, हम लोग पे आशीर्वाद बनाओ। अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं अरविंद बाबू, गर्दा उड़ा दिए और इनका प्यार है, ये बुकिंग करने आए थे उस समय, इतना इनका दिल में श्रद्धा था कार्यक्रम के लिए, इतना मतलब उत्साहित थे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कार्यक्रम। अब दिल्ली से आकर के डायरेक्ट इनके कार्यक्रम के लिए आए, फिर सुबह हम निकल जाएंगे, पूरा अभी चल रहा है चुनाव का तैयारी है, उसमें समय निकालना अरविंद बाबू समझिए रहे हैं, आदमी टिकट पे लगा हुआ है मेहनत कर रहा है, बाकी सब ईश्वर का आशीर्वाद जनता का आशीर्वाद साथ में।